हाय, माय सेल्फ मयूर व्यास और पूस इन द बूट्स, इसमें मैंने डेथ द वुल्फ ये कैरेक्टर के लिए अपनी वॉइस की है. अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्शन हाउसेस बिकॉज दे गिव मी द कैरेक्टर्स व्हिच इज लाइक द न्यू चैलेंज फॉर मी. एंड विलेनियस कैरेक्टर पहले भी मैंने किए हैं, करने अच्छे भी लगते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक ग्रे शेड रहता है जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो यहाँ वो चीज़ करने का मौका मिला. एज फार एज इन्फ्लुएंसेस कंसर्न, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे कोई इन्फ्लुएंसेस की बिल्कुल कमी नहीं है, फ्रॉम अमरीश पुरी साहब टू गुलशन ग्रोवर. तो इस कैरेक्टर में वो सारी चीज़ें एक साथ थी, एक मिड रेंज वॉइस, बट ज़रूरत पड़ने पर वो बहुत ग्रेनफुल लो बेस वॉइस भी बन सकता है, उसमें थोड़ा सा ग्रफ भी था. तो शुरू में जब वो बात करता है पूस से, तो उस समय थोड़ा सा वो इंस्टिगेट कर रहा है, उसको डराने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय में ग्रेन्स और बेस बहुत अच्छी तरह यूज किए. फिर आगे जाकर के वो ग्रफी होता है जब वो ज्यादा एक्शन में आता है. और जो डायरेक्शन भी हमें मिला है थ्रू आउट इन दिस मूवी फ्रॉम द डायरेक्शन टीम ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, वो मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा इस इंटरव्यू में, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि एक्चुअल ये कैरेक्टर जो है एंड में क्या बन के खुलता है. तो इससे मुझे भी बहुत हेल्प मिली प्रोसेस में, क्योंकि मैं थ्रू आउट जो देखता रहा, जो थोड़ा सा डायरेक्शन मुझे मिलता रहा, मैं वो फॉलो करता रहा. और उन्होंने भी मुझे धीरे 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 कैरेक्टर खुलता रहे मेरे जहन में, उसका पूरा मौका दिया. सो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द एंटायर डायरेक्शन टीम एंड द प्रोडक्शन टीम आउट हियर. और प्रोसेस बहुत आसान था, हम देखते जा रहे थे. आई थिंक द वॉइस वैगनर मोरा ने जो ऑलरेडी वॉइस किया है, दैट वॉज मैजिक ऑलरेडी. वी जस्ट ट्राइड फॉलोइंग द सेम बेंच मार्क्स दैट ही हैज सेट फॉर अस, एंड द प्रोसेस वॉज क्वाइट सिमिलर टू वॉट वी डू फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा सा बॉलीवुड इन्फ्लुएंस, जैसे कोई विलेनियस कैरेक्टर का हो, कहीं ग्रफ लाना है या कहीं उसको बहुत ज्यादा लो करके बात करना है, क्योंकि ये कैरेक्टर बेसिकली एक यमदूत जैसा कैरेक्टर है, डेथ है, और ये पूस को डराने की पूरी कोशिश करता है थ्रू आउट द मूवी, और वो काफी हद तक उसमें सक्सेसफुल भी रहता है. तो ये काफी चैलेंजेस रही डबिंग में, और बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर था, बहुत ही मजा आया. आई रियली एंजॉय. Puss in Boots, The Last Wish, dubbed Hindi mein.